हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रखर और आज चर्चा करेंगे ऐसी कौन सी पांच चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में नहीं लेनी चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ की कंडीशन है या आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं आप। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रखर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में एक मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके डायबिटीज़ को, आपके शुगर लेवल को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखती हैं और क्या क्या कारण होता है डायबिटीज़ का, ये एक वीडियो पूरा मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर पहले उस वीडियो को देखें, बीमारी को समझें और साथ में मेडिसिंस के साथ में रोल रहता है दोस्तों योगा करने का, एक्सरसाइज करने का और साथ में आपको अपने डाइट में क्या लेना है। 30% मेडिसिंस काम करती हैं और 70% आपकी एक्सरसाइज और डाइट काम करती है कि आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी हो रखी है और उस बीमारी के हिसाब से डाइट अलग अलग होती है दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी पांच चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो आपकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ डाइट से और एक्सरसाइज से रुक सकती है, आपको मेडिसिंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो आपको डायबिटीज़ की कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको अपने डाइट में नहीं लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ हो रखी है या बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो। दोस्तों, हर घर में आज के टाइम में सफ़ेद चावल यानी कि राइस जो है बहुत कॉमनली यूज़ होता है, राइस है बहुत रेगुलरली खाया जाता है, दिन में भी शाम को भी खाया जाता है, बट अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर लेवल जो है बढ़ा रहता है तो आपको वाइट राइस नहीं खाने चाहिए। इसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये शुगर के लेवल को बढ़ाता है तो ये आपको परेशानी दे सकता है दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों पोटैटो यानी कि आलू, बहुत ही कॉमन सब्जी है, देखा जाता है कि हर सब्जी में आलू ज़रूर पड़ता है, बट अगर आपको डायबिटीज़ की कंडीशन है या आप प्री डायबिटिक कंडीशंस में हैं तो आप आलू का सेवन ना करें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं साथ में कुछ वाइट ब्रेड होती हैं, लोग ब्रेड खाते हैं, वाइट ब्रेड का सेवन ना कर नहीं करना चाहिए, आपको वाइट पास्ता होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और आपकी परेशानी को बढ़ा सकती हैं, शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शुगर बिवर्जेस जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स होती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत मात्रा में शुगर होता है जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है। साथ में अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स आती है जैसे कि रेड बुल आती है और अलग अलग कंपनियों की ऐसी ड्रिंक्स आती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फास्ट फूड या फैटी फूड जो होता है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको अवॉइड करें। डीप फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में बने हुए फ्रूट्स होते हैं, इनका सेवन आप नहीं करें। और बात करते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा जिसमें होती है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही है, आप चीनी या मिठाई वगैरह खा ले रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया में एक बात कही जाती है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर हो जाए, तो आप मीठे का सेवन ना करें अगर आपको डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, तो अपने आप को पूरी तरीके से रोकें, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको मिठाई नहीं खानी है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में, योगासन के बारे में दोस्तों। योगा बहुत ज़रूरी होता है और एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, आपको अगर डायबिटीज़ की कंडीशन है, आप मेडिसिंस खा रहे हैं वो तो ठीक ही है, अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो आपकी समस्या जो है दोस्तों बढ़ती जाती है, शुगर लेवल बढ़ता जाता है मेडिसिंस खाने के बावजूद भी, उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अलग अलग तरीके की हाइपरटेंशन हो सकता है, किडनी हमारी डैमेज हो जाती है, हमारी आंखों की रोशनी तक जाने लगती है। तो आपका डाइट का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप डाइट का पूरी तरीके से ख्याल रखें और एक
फुल वीडियो मैंने डायबिटीज़ के बारे में बता रखा है, बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कुछ मेडिसिन के बारे में जानें कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको बहुत अच्छा राहत देती हैं, और साथ में डाइट का रोल बहुत अच्छा रहता है, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, ऐसे ही मैं नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।